सुहाए। तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा विश्व बदर जी में तुम मेरे हाथा। हे मुनिनाथ, आप तो त्रिकाल दर्शी हैं, यह सारा संसार आपकी गदेली में रखे हुए बेर के समान है, इतना ही नहीं तात बचन पुनि मातु हित भाई भरत वसु राव मो कहु दरस तुम्हारो प्रभु सब मम पुण्य प्रभा। ये सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। मुनि पद कमल तुम्हारे मुनि देख पद कमल तुम्हारे भाई सुकृत सब सुफल हमारे। आज आपके चरणों के दर्शन हुए, ऐसा लग रहा है मानो हमारे सारे पुण्य सुकृत सुफल हो गए। अब तो मैं चाहता हूं आप हमें ऐसा कोई स्थान बताएं। आसो जिया जानी कहूँ सोई ठाऊं सीता लखन सहित जहां जाऊं। ऐसा हृदय में विचार कर आप ऐसा स्थान बताएं जहां सीता और लक्ष्मण के सहित जाऊं, वहां सुंदर घास और पत्तों की कुटिया बनाऊं, तहां रच रुचिर परम तृणशाला बास करो कछुकाल कृपाला। सुंदर घास और पत्तों की कुटिया बनाकर कुछ समय तक निवास कर सकूं, ऐसा स्थान बताएं। राघव जग पे खाने तुम्हें देखन हारे विधि हर शंभो नचावनुहार। राघव तुम तो इस संसार को एक दृष्टि से देखने वाले हैं, ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर तीनों देवताओं को नाच नचाते हो प्रभु। के न जाने मरम तुम्हारा और तुम ही को जानन हारा। हे राघव, जब ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेव हैं, त्रिलोक के स्वामी हैं, वो भी आपके मरम को नहीं पहचानते तो भला कोई साधारण क्या आपके मरम को समझेगा। सोई जाने तुम देहो जनाए जाने
जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई। भगवान आपकी जिस पर कृपा हो जाएगी, आपकी जिस पर कृपा होगी वही आपके मर्म को आपके स्वरूप को पहचान सकता है। पूछो मोय कि रहौ कहा, मैं पूछत सकुचा जहाँ न होए तहाँ देहु कहे तुम ही दिखावो। और आप मुझसे एक साधारण मानव की तरह पूछ रहे हैं, मैं आपको बताने में सकता रहा हूँ ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर आपका निवास न हो। सुना हूँ राम अब कहो निकेता, जहाँ बस हो सिया अनुज समेत। हे रघुनाथ जी सुनिए, जहाँ पर आप लक्ष्मण श्री जानकी सहित तीनों निवास करें ऐसा आश्रम में आपको बतला रहा हूँ। जिनके श्रवणे समुद्र समाना, जिनके श्रवणे समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरना, कथा तुम्हारे सुभग सरनाना। नहीं और जो आपके भक्त जो संतजन भोजन करने से पहले आपको अर्पण करते आपको भोग लगाते हैं, वस्त्र आभूषण पहनने से पहले जो भक्त आपको अर्पण करते हैं, ऐसे भक्तों के आप हृदय में निवास करिएगा। और संतन दासन देव बढ़ाई ताते मोह पूछे रघुराई, आप तो अपने भक्तों को संतों को हमेशा बढ़ाई देते चले आ रहे हैं, इसलिए आप एक साधारण मानव की तरह मुझसे पूछ रहे हैं कि हमारे लिए स्थान बतलाओ उचित रहने के लिए। कहे मुनि सुनो भान कुल नायक आश्रम कहो समय सुखदायक। समय अनुसार करनित करे राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जो हमेशा आपका भजन चिंतवन किया करते हैं, आपका भरोसा करते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में तीनों निवास करिए। समय के अनुसार यहाँ से थोड़ी सी दूर पर चित्रकूट नामक आश्रम है, स्थान है जहाँ मंदाकिनी नदी समीप में बह रही है। आप तीनों प्राणी वहाँ पर ठहरिए, संत मुनियों के दर्शन जैसी आते। चित्रकूट महिमायम ते कही महामुनि गाय, आए नहाए सरते परे सिय समेत दो भाय। भगवान श्री राम ने अपना निवास स्थान पावन धाम चित्रकूट में बना लिया और बराबर 12 वर्ष तक भगवान श्री राम ने चित्रकूट में निवास किया। अब चलते हैं आपको लेकर के महामंत्री सुमंत जी भगवान श्री राम को श्रृंगवेरपुर में वापस छोड़ के कैसे रुदन करते हुए आ रहे हैं। आइए भगवान के बिरे में क्या दशा है महामंत्री सुमंत की। सोच सुमरते बिकल दुख दीना, एक जीवन रघुनाथ मेरा। राम हे पुत्र राम, मुझे अपना जी का कलेश समझ करके छोड़ गए राम। आहा सर चूका, अजहु न हृदय होते दुई टूक। हे पति के मंद सुमंत, तूने ये शुभ अवसर कैसे चुका दिया, तूने प्रभु
उस राम की बात मानी ही क्यों, मैंने बल जाने ही क्यों दिया। मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो जाते राम। पूछी है जवाही दुखित सब माता, कहव काहि मैं ताहि विधाता। ये विधाता तीनों माता मुझसे पूछेंगी कि बेटा राम लक्ष्मण पुत्री सीता कहाँ है, मैं किन शब्दों में उत्तर दूंगा। किन शब्दों में पूछी है जब ही लखन महतारी, कई हो कवन संदेश सुखा। जब उन्हें पता चलेगा कि मंत्री सुमंत अयोध्या आ गए, लक्ष्मण की माता दौड़ी दौड़ी आएंगी और मुझसे पूछेंगी कि मंत्री सुमंत मेरा लक्ष्मण लेकर के आए कि नहीं, मैं किन शब्दों में उत्तर दूंगा। किन शब्दों में उत्तर दूंगा। पूछी है जब ही राय दुख दीना, जीवन जासे रघुनाथ अधीन। महाराज दशरथ मुझसे पूछेंगे भैया सुमंत क्या तुम मेरा राम को लेकर के आए, लक्ष्मण को लेकर के आए, मैं उनको किन शब्दों में उत्तर दूंगा, क्योंकि उनका तो जीवन मात्र सिर्फ राम के नाम पे ही रुका हुआ है, राम के देखने के लिए ही रुका है। हृदय न बिदिर हो पंकजिमी, बिछुरत प्रीतमनी, जानत हो मोहिदीन विधि, यह जातना शरीर। पापी प्राण राम के जाने से क्यों नहीं निकल गए, मैं अभी तक जीवित क्यों हूँ, जीवित क्यों हूँ मंत्री सुमन। और खो दिया और खो दिया मैंने और पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी। शर्मा की ओर से सुंदर बिलाप पर सुमंत जी के। प्रमोद भैया जी अयोध्या आपकी ओर से भी 21 रुपए की राशि अभी और 51 रुपए इसके पहले बोला गया था। धन्यवाद। चांद सूरज पे पहरा रहेगा इस जग में
जग में अंधेरा रहेगा, हुस्न तड़पेगी, हुस्न तड़पेगी, हुस्न तड़पेगी, एक रोशनी को आग लग फिर उनका दिन प्रभु ही पहुंचाई, देख सचिव गति गयु सुखा। श्री सुमन आप अभी तक अयोध्या वापस नहीं गए? कैसे जाऊं तात, प्राणों से भी ज्यादा प्रिय राम बन के लिए चला गया, मैं कैसे अयोध्या वापस जाऊं तात, कैसे अयोध्या। ये 100 रुपए अपने हमारे श्री शिवपाल भैया जो बुंदेली मिक्स चैनल के ओनर हैं, जिनका लाइव भी चल रहा है और जो आप रामलीला देख रहे हैं, इसके बाद भी आप लोग बुंदेली मिक्स राठ रामलीला महोत्सव सर्च करके यूट्यूब पर देख सकते हैं। आपकी ओर से पुनः 100 रुपए की राशि भगवान की लीला में आई है। आप सीखता से अयोध्या जाइए, क्योंकि भगवान श्री राम तो गंगा के उस पार चले गए हैं, केवट राज से नाव मंगा करके तीनों प्राणी उसमें सवार होकर के गंगा के उस पार गए। हरि जी श्रीवास अनुगवा वाले, आपकी ओर से ये 21 रुपया श्री सुमंत जी के सुंदर अभिनय पर। सत्य कहते हो तो सत्य कहते हो, मुझे अयोध्या वापस जाना चाहिए, मुझे अयोध्या वापस, लेकिन इस समय नहीं। एही विधि करत पंथ पछतावा, तमसा तीर तुरत रथ आवा, बिना किए कर विनय निश्चय। महामंत्री सुमंत ने निखाद राज को विदा कर दिया तमसा नदी किनारे से ही। मुझे अयोध्या में चलना चाहिए, लेकिन इस समय नहीं, रात्रि के समय में प्रवेश करूंगा, जिससे कि कोई अयोध्या वाला मुझे देख नहीं पाए। आदरणीय हमारे श्री नीलू भैया, जिनका दान बराबर रोज ही आता है करीब करीब, आपकी ओर से 100 रुपए की राशि हमारे श्री नीलू महाराज की ओर से। महामंत्री सुमंत ने देखा अभी सायंकाल होने में थोड़ा सा विलंब है, तो बैठे पिता पितर दिवस गमावा, और साझ भई तब अब सर पावा। जब भगवान सूर्य नारायण अस्त हो गए तो अवध प्रवेश कीन अधियारे, पैठ भवन रथ राखे दुआरे। तो यही रोक देना चाहिए और महाराज दशरथ के मेले में प्रवेश करना चाहिए। महामंत्री सुमंत ने साल इस उद्देश्य से सायंकाल में प्रवेश किया कि शायद कोई मुझे देख न पाए, लेकिन प्रजापुरवासियों के तो नजरें लगी थी कि कब सुमंत जी लौट के आए, तो दास ही दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या ग्रह गयउ लवाई। प्रणाम महामंत्री जी। प्रसन्न होता महाराज दशरथ इस समय कहाँ है? शयन कक्ष में ही है महाराज, इस समय पे भवन
कौशल्या जी के भवन में। क्या कहा? कौशल्या जी के भवन में। हाँ मुझे चलना चाहिए, मुझे चलना चाहिए। देख सचिव जय जीव कहे कीन सिदंड प्रणाम, सुनते उठ्यो प्या कुल नपति कहो सुमलत कहारा। कहो सुमल कहारा, कहो सुमलत कहारा। आओ मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था सुमंत। आओ कुशल से तो हो, बोलो सुमंत बोलो। मैं देख रहा हूं सुमंत कि तुम कुछ कहने के लिए जा रहे हो लेकिन कह नहीं पा रहे हो। सुमंत कहो सुमंत कहारा। तुम कहते क्यों नहीं सुमंत, बोलते क्यों नहीं? कहां मेरा बेटा राम है, कहां लक्ष्मण है और कहां मेरी पुत्र वधु सीता है? आने ही फेर की बनही सिधाई, आने ही फेर की बनही सिधाई। सुनती सचिवी लोचन जल छाए, सुनती सचिवी लोचन जल छाए। सुमंत तुम जानते हो ये तुम्हारी खामोशी, ये तुम्हारी खामोशी मेरे प्राण घातक हो सकती है। बोलो मेरा बेटा राम बनों से वापिस आ गए या बनों के लिए प्रस्थान कर गए? सुमंत बोलो। राज सुनाए दीन बनवासु, सुनि मन भयउ नहर से हरासु। ऐसा आज्ञाकारी पुत्र, ऐसा आज्ञाकारी पुत्र मैंने कभी नहीं देखा सुमंत, कभी नहीं। जब मैंने उसको अयोध्या की राज देने की घोषणा की, उसे सुनने को मिला कि पिताश्री मुझे अयोध्या का राज दे रहे, तो उसके हृदय में जरा भी हर्ष नहीं हुआ सुमंत, जरा भी हर्ष नहीं हुआ। और जब उसने ये सुना कि पिताजी ने मुझे वनवास दे दिया है, तो उसके में जरा भी दुख नहीं हुआ सुमंत। सो सुति बिछुरती गए न प्राणा, को पापी जग मोही समान। ऐसा आज्ञाकारी पुत्र के बिछड़ते ही इस पापी शरीर से प्राण नहीं निकले सुमंत, प्राण नहीं निकले। चलते हुए सुंदर प्रसंग पर, इस संसार में मेरे समान पापी कौन हो सकता? महाराज दशरथ जी के सुंदर अभिनय पर आदरणीय हमारे श्री दीपक पांडे जी, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर LIC राठ, आपकी ओर से ये 100 रुपए की राशि है। भगवान हमेशा प्रसन्न रखें।
सच विधि धर कही मृदुवानी महाराज तुम पंडित ज्ञान। हे महाराज हृदय में धीरज धारण करिए, आपको तो पंडित ज्ञानी कहा जाता है, पंडितों की समाज में बैठने वाले हो महाराज। प्रथम बास तमुसा भयो दूसर सुर सर तीर नहाए रहे जलपान कर सिया समेत दो भी। महाराज पहला लिबास राम ने तमसा नदी पे किया, दूसरा विश्राम सरस्वती गंगा पे किया, कुछ वहां जल पान किया, फिर केवट से नौका मंगा करके वो तीनों गंगा जी से पार हो गए। सूत बचन सुनते हो नर ना हो पर उधरण सुध कछुमान जब महामंत्री सुमंत ने कहा कि नाव में बैठ करके गंगा से पार हो गए, महाराज जी व्याकुल हो गए। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो सुमंत, क्या मेरा बेटा राम सचमुच बलों को चला गया? नहीं तल सुध कछुना लक्ष्मण पुत्र मनु सीता बनो को चली गई। मंत्री मंत्री क्या सचमुच गया बनो को राम? अरे रही सही आशा भी गई जाता रहा तब हते ही हमने सीखा था ये तेरा है ये मेरा है, जाने से पहले देख रहे बस चिड़िया रेन बस सामान्य ज्ञान की आंखों में देखो ये बुद्धिमंत मेरा था, कितना सुखद याद मेरा है कितना दुखद अंत मेरा। सामान्य बेटा राम मेरे आज्ञाकारी पुत्र, तुम मेरी आज्ञा को पाने के लिए मेरी ओर तुम कैसे देखा करते थे मेरे लाल, जैसे एक पपिया बादलों की एक बूंद की ओर देखा करता था। तापसे अल्द श्राप सुधि आई कौशल नहीं सब कथा सुना। कौन है? कौन है? काली काली प्रतिछाया कोई नहीं, कौशल ही सब कथा सुना कोई नहीं। नहीं नाथ आपको भ्रम हो रहा है स्वामी। ये मेरा भ्रम है,
हाँ नाथ। प्रिय कौशल्य मंत्री सुमंत, मेरे सखा, आज तक मैंने एक बात को अपने सीने में दफना के रखा, किसी को नहीं बताया, लेकिन आज आज मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। एक समय की बात है, मैं सेनागार में सैन हो रहा था। सफेद वर्ण के सर्प ने आकर के मेरी बाई भुजा को डस लिया। अमंगल का शीर्षक जानकर के मैं गुरुदेव के पास में गया तो गुरुदेव ने मुझसे कहा कि राजा दशरथ, तुम्हारे राज के मृग जो है वो व्रत हो चुके हैं, उनसे चला फिरा नहीं जाता है, तुम जाओ उनका शिकार करो। गुरुदेव की आज्ञा मानकर मैं शिकार खेलने गया। आइए, वह जवानी की अपनी बीती हुई कहानी महाराज दशरथ जी ने अवलोकन कराया सभी मंत्रियों को, महारानियों को। जिस समय श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के सभी तीर्थों का भ्रमण करा करके अयोध्या का समीप आ रहे थे, चारों तरफ मैंने देखा एक भी शिकार में नजर नहीं आया। सायकाल का वक्त भी हो चला है, छत्री को खाली हाथ कभी वतन के लिए वापस नहीं लौटना चाहिए, इसलिए मुझे सरयू नदी के किनारे बैठना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। सायकाल पर अवश्य कोई ना कोई जीव जल पीने के लिए आएगा, उसी समय पर मैं उसका शिकार करूंगा, तो चलना चाहिए। और सरयू नदी के तट पर झाड़ियों के पीछे छुप करके बैठना चाहिए। महाराज दशरथ जी शिकार करने को चल दिए, उधर अपने अंधे माता पिता को सभी तीर्थों का भ्रमण करा के श्रवण कुमार अयोध्या में प्रवेश किए। सरयू के समीप आकर के और ले लो दुआएं माँ बाप की, शर से उतरे की गठेरी बाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की, शर से उतरे की गठेरी बाप की, ऐसा पुत्र मिलना बड़ा ही दुर्लभ है, जो कि पांव पैदल चल के तुमने हमें सभी तीर्थों की यात्रा करा दी। इस समय हम अयोध्या के समीप आ चुके हैं,
हम दोनों को बहुत जोर से प्यास लग रही पुत्र, जाओ सरयू में से जल भर करके लाओ, ये झाड़ी ले जाओ। जो आज्ञा पिताश्री। यहाँ से सरयू मैया कुछ ही दूरी पर बह रही हैं। ठीक है, 21 रुपया मानसी बिटिया की ओर से चलते हुए प्रसंग पर। ये क्या, जैसी जल की झारी हाथ में लेकर के आगे की ओर कदम बढ़ाया तो हृदय में एक धक्का सा लगा। हे परमात्मा, ये किस मंगल की सूचना है? ये मात पिता को छोड़कर मैं लेने जाता नीर, रक्षा करना जगतपति, ये दिल है आज मेरे अंधे माता पिता की, रक्षा करना, रक्षा करना। और ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी बाप की, ले लो दुआएं। क्योंकि कहा गया है माता का देखो बेटे पर वह कितना लाड़ लड़ाती है, 9 मास गर्भ में रखती है और अपना दूध पिलाती है, खुद तो सोती है गीले में, सूखे में उसे सुलाती है, मल मूत्र सदा धोती उसका, बलिहारी उस पर जाती है। फिर ऐसी माता को जो त्यागे वह पुत्र नरक का गामी है, वह पुत्र नहीं है कि पुत्र कहलाता, दूध हराम। ले लो चले गए माता पिता के लिए चल लेने के लिए। यही मौका है, संध्या हो चुकी है और जो सामने झाड़ियां दिखाई दे रही है वो खड़ी है, इन झाड़ियों में छुप करके बैठना चाहिए। सरयू नदी का तट भी है, अवश्य अवश्य कोई ना कोई जीव यहां पर जल ग्रहण करने के लिए आएगा, तो चलो और चल करके छुप कर देखना चाहिए। जय हो। हे सरयू मैया, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं और बारंबार आपसे मेरी यही विनती है कि जिस समय मेरा अंत समय हो तो आपके तट पर ही हो। हे सरयू शरणागत हो तेरी, मात सुनो बिनती एक मोरी, जौलो जीऊं जग में जननी, रुचनीर सदा में पान करोरी, संतन को सतसंग मिले और राम को नाम सदा उच्चारूं, अंत समय बिनती एक मोरी कि त्याग शरीर तेरे तट। कोई दिखाई भी नहीं देता है, कोई बात नहीं, सरयू मैया में सबसे प्रथम स्नान भी करते हैं और जल भर करके अपने अंधे माता पिता को लेकर भी चलते हैं। जैसे ये डब डब की आवाज आ रही है, अवश्य कोई ना कोई जीव जल पी रहा है, यही मौका है और अपना शब्द वेदी बाढ़ छोड़ना चाहिए, जिससे कि अपने शिकार को मैं समाप्त कर सकूं। जल में कैसे पिलाओ
मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मुझे चल बढ़ते हुए बार बार दिया है। और मैंने जाल वो जाल वो तेरा क्या माता पिता की आवाज देने वाला कौन है? चलकर देखना तो चाहिए कि आखिर हाय माता पिता कहकर के ये कौन पुकार रहा है? ये क्या श्रवण कुमार, माता पिता का अनन्य भक्त श्रवण कुमार। श्रवण कुमार इधर देखो मुझे पहचानो, ये बाण चलाने वाला नहीं तो हूं। मुझे देखो श्रवण कुमार, मुझे पहचानो, ये पहचानो श्रवण कुमार। कौन? अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ, सबसे प्रथम तो आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आह, ये प्रणाम का शब्द श्रवण कुमार ने जब मुझे कहा तो ये शब्द सुनते ही ये हृदय मेरा फट क्यों नहीं चला? मेरा हृदय ये चली चली क्यों नहीं होता? धिक्कार मुझ पे मेरे हाथों पर फटकार सौ सौ बार है। इस धनुष पर इस बाण पर धिक्कार सौ सौ बार है। जो प्राण नष्ट श्रवण
एक कर गया, उससे पहले दशरथ तू क्यों ना नहीं महाराज, नहीं महाराज, यदि आपने मुझे शिकार के धोखे में बाण मारा है तो इसमें आप दोषी नहीं है। ये तो संसार का नियम है, जो यहां जन्म लेकर के आता है उसे एक दिन मरना अवश्य ही पड़ता है। फिर मुझे तो इस मृत्यु में बड़ा ही आनंद आ रहा है कि जब तक जिया तो माता पिता की सेवा में जिया, और यदि आज यदि मैं मर भी रहा हूं तो माता पिता की सेवा में ही मर रहा हूं। और मैं तो उस परमात्मा से भी बारंबार यही निवेदन करूंगा कि हे परमात्मा, मेरी अंतिम इच्छा भी यही है कि चाहता जगदीश हूं बस ये दया मैं आपकी, चाहता जगदीश हूं मैं ये दया मैं आपकी, जहां भी जन्म लूं सेवा करूं माँ बाप। तो कैसे बड़े कुमार, मैं क्या करूं, तुम मेरे सामने मर जाओ और मैं अपने नेत्रों से तुम्हें देखा करूं। श्रवण कुमार, जिस तरह से हो सके, जिस तरह से हो सके तुम मुझसे बदला लो, मरने से पहले सातल पुत्र तुम मुझसे कोई सेवा लो। महाराज, यदि आप इतने ही दुखी हो रहे हैं तो आप मेरा एक छोटा सा कार्य कर दीजिए। यहां से थोड़ी सी दूरी पर एक वृक्ष के नीचे मेरे अंधे माता पिता बैठे हुए हैं, जो कि जल से बड़े ही व्याकुल हैं। आप ऐसा कीजिए कि जल की झारी ले जाइए और मेरे अंधे माता पिता को जल पिला दीजिए। बस अब नहीं बोला जाता, अब नहीं बोला जाता, ये माता है मेरी श्री, पिता शब्द है ओम, माता पिता में लीन है सेवक का रोम। प्राण तो अब कंठ में है, ये ओठों पर नाम है, प्राण तो अब कंठ में है, ओठों पर नाम है, माता पिता तुम्हें मेरा ये अंतिम प्रणाम है। छोड़कर किसी पर चल पाएगा, चला गया मुझे छोड़कर श्रवण, हे हत्या है दशरथ, एक माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र को तूने इन्हीं हाथों से समाप्त कर दिया, इन्हीं हाथों से तूने मार डाला। अभागी दशरथ, तूने श्रवण कुमार को समाप्त कर दिया, लेकिन ऐसा कहते हैं मरने वाले के अंतिम इच्छा को पूर्ण किया जाता है। उनके माता पिता किसी वृक्ष तरह बैठे हुए हैं, चल करके जल पिलाओ और उनकी आत्मा को शांति दिलाओ, क्योंकि जल से बहुत व्याकुल हो रहे हैं, प्यास के मारे घबरा रहे हैं। लेकिन ये क्या हुआ,
मेरा ये पैर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? मैं आगे के लिए कदम बढ़ाता हूं, लेकिन ये पैर मेरे पीछे को हट जाते हैं। मुझे बार बार आगे बढ़ने चाहिए, मेरे पैर मुझे रोक रहे हैं। बार 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 ये सचेत कर रहे हैं कि दशरथ दशरथ तू अपने मुख से कैसे कहेगा, उन माता पिता से जाकर के कैसे कहेगा कि मैं तुम्हारा श्रवण नहीं दशरथ हूं? क्या वो अपने हृदय में धैर्य को धारण करेंगे? नहीं, नहीं कर पाएंगे। चलते हैं सच्चे तीर सदा, चलते हैं सच्चे तीर सदा, पर झूठे ताप नहीं चलते। अरे ये दशरथ तो आगे चलता है, लेकिन ये दशरथ के पांव नहीं चलते। लेकिन जाना तो अवश्य से पड़ेगा, माता पिता को जल अवश्य से पिलाना पड़ेगा, चलना चाहिए माता पिता के पास। उधर श्रवण कुमार के अंधे माता पिता प्यास से तड़प रहे हैं, श्रवण कुमार की आवाज लगा रहे हैं, स्वामी न जाने क्या कारण है, जब से पुत्र श्रवण जल लेने के लिए गया है तब से मेरा हृदय बैठा जा रहा है। ना जाने क्या बात है, क्या कारण है, मैं रोना चाहती हूं लेकिन रोया नहीं जाता, कुछ कहना चाहती हूं कुछ कहा नहीं जाता। ना जाने आज क्या होने वाला है, पुत्र श्रवण भी अभी तक नहीं आया। श्रवण बेटा, श्रवण कुमार कहाँ चला गया, कहाँ रह गया, शायद थक गया होगा। परमात्मा ये 51 रुपए की राशि आदरणीय श्री महेंद्र सिंह सूर्यवंशी नाद संगीत विद्यालय निकट शनि मंदिर सिकंदरपुरा राठ आपकी ओर से चलते हुए प्रसंग पर। मेरे श्रवणों में कौन, मेरे श्रवणों में वही आवाज, बेटा श्रवण कुमार, बेटा श्रवण कुमार, ये शब्द सुनने से पहले, ये शब्द सुनने से पहले पृथ्वी तू फट क्यों नहीं जाती, जिससे कि मैं अपने आप को तेरे अंदर समा। श्रवण आसमान, आसमान और बादलों पिले गजराओं के साथ मेरे शीश पर टूट पड़ो, हे बनके प्रक्षो, हे बनके प्रक्षो, तुम मेरे लिए अग्नि तैयार करो, चिता तैयार करो, जिससे कि अपने आप को मैं तबाह। दशरथ, दशरथ यह शब्द सुनने से पहले तेरा ये हृदय फट क्यों नहीं जाता? तू भी पुकार पृथ्वी, तू भी पुकार आसमान, तू भी पुकार श्रवण कुमार, श्रवण कुमार, श्रवण कुमार, पुत्र श्रवण कुमार। लेकिन तुम जल लेकर आ गए, लेकिन तुम्हारी आवाज भारी भारी हो रही, क्या हमारी सेवा करते करते तुम्हारा मन ऊब चुका है क्या? लेकिन ऐसा कहते कब तक छुपाऊंगा, कब तक छुपाऊंगा कि मैं तुम्हारा पुत्र नहीं,
आखिर मुझे कहना तो अवश्य पड़ेगा। माता पिता, मैं आपके लिए प्रणाम करता हूं। कल्याण हो तुम्हारा, कौन हो तुम? हे माता पिता, मैं तुम्हारा पुत्र श्रवण नहीं। तो कौन हो? तुम्हारे पुत्र का हत्यारा अयोध्या नरेश, ये अभागा दशरथ हूं। दशरथ, जिसने बहुत गुनाह किया बेटा श्रवण कुमार, बेटा श्रवण कुमार, अभागे दशरथ, तूने हम अंधों की लाठी को तोड़ दिया। लेकिन माता पिता, पुत्र एक हमारा सहारा था, उस सहारा भी तूने हमसे ले लिया। लेकिन माता पिता, माता पिता, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि आप इतने व्याकुल ना हो। मैं आपका पुत्र बनकर के आपकी सेवा करूंगा, तुम्हारी सेवा में हर समय तैयार रहूंगा, किसी भी प्रकार का आपको कोई कष्ट नहीं होगा। मुझे अपना पुत्र समझिए और पुत्र समझ करके ये जल पीजिए। जल दशरथ, हरे हत्यारे दशरथ, तेरी अयोध्या का जल नहीं पिएंगे, तेरी सरयू का जल नहीं पिएंगे। ला जल दे, अरे मत दे, तू क्या जल दे सकता है? जीवन और मरण में तो पुत्र ही जल देता है। हम निर्जल ही प्राण गमाएंगे, जल जाए ये जल, निर्जल ही प्राण गमाएंगे। जिस जगह गया है श्रवण पुत्र, हम उसी जगह पर जाएंगे। दशरथ, मेरा साफ स्वीकार कर, जिस प्रकार से आज मैं पुत्र शोक में अपने प्राण त्याग रहा हूं, पुत्र शोक में मेरी मृत्यु हो रही, एक दिन तू भी पुत्र शोक में तड़प तड़प के मरेगा, तड़प तड़प के मरेगा, तड़प तड़प के मरेगा। ओम शांति। हे परमात्मा, हे विधाता, हे ईश्वर, तू देख रहा है आज मेरे हाथों से एक नहीं बल्कि दो मृत्यु हो गई है। लेकिन माता स्वामी, मैं आपसे विनती करता हूं, आप ही मुझे पुत्र समझिए और ये जल ग्रहण कीजिए, जल को पीजिए। स्वामी, जल पीजिए माता। स्वामी, स्वामी, ये आपने क्या किया? चल पीजिए माता। पुत्र छोड़कर चला गया, ऐसे समय पर आप भी मुझे छोड़कर चले गए, किसके सहारे रहूंगी? केवल आपके सहारे, केवल आपके सहारे जीवन यापन कर रही थी, आप भी छोड़कर चले गए। इतनी व्याकुल ना हो माता, आप ये जल ग्रहण कीजिए, जल पीजिए माता। क्या कहा? जल पीजिए माता, जल पीऊ, तुम्हारे हाथों से जल पीऊ? अरे पापी हत्यारे, मेरी कोख उजाड़ कर, मेरा सुहाग उजाड़ कर, अब चाहता है तेरे हाथों से मैं जल पीऊ? नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता।
जिस प्रकार आज मेरे स्वामी ने पुत्र वियोग में प्राण त्यागे हैं, मेरे पति और पुत्र दोनों की लाश बिना दाह संस्कार के जिस प्रकार तड़प रही है, ये एक लाचार मां का तुझे श्राप है कि तेरे चार चार पुत्र होंगे, लेकिन जिस समय तू अपने प्राणों का अंत करेगा तेरे पास कोई नहीं होगा, कोई नहीं। जिस प्रकार आज मैं तड़प रही हूं उसी प्रकार तेरी लाश तड़पेगी पापी। अब मैं जीना नहीं चाहती, अब इस संसार में किसके सहारे रहूंगी? स्वामी स्वामी परमात्मा, इन्होंने भी अपने प्राणों का अंत कर दिया, लेकिन इनका जो श्राप है, हे ईश्वर, वो मुझे आशीर्वाद रूप में प्राप्त हो जाए, क्योंकि मेरे ग्रह में कोई संतान नहीं है, मेरे ग्रह में एक भी संतान नहीं है, इनके श्राप के कारण मैं संतान का मुख देख लूं, इस संतान का मुख। इस तरह से श्रवण के माता पिता ने महाराज दशरथ जी को श्राप दिया था कि चार चार पुत्र होने के बाद भी तेरा अंतिम संस्कार नहीं होगा। वही श्राप के कारण महाराज दशरथ जी आज तड़प रहे हैं। हा रघुनंदन।